वैरायटी का अभी नर्सरी लगा रखी थी और किस मेथड से इसको लगाया था? सर मैंने सीओस 13235 शाहजहाँपुर की वैरायटी है और एक वो करनाल की वैरायटी 15023 और मोलक 14201 की भी लगाई थी। एसटीडी भी मेथड था। किस महीने में आपने पौधे लगाई? सर नवंबर फर्स्ट वीक में। जो यहाँ पर फिलिंग मटेरियल आपने इस्तेमाल किया था, यानी गन्ने के टुकड़े रखे थे, उसके ऊपर एक फिलिंग मटेरियल डाला था, तो क्या क्या डाला था गन्ने के टुकड़े को ढकने के लिए? सर जमीन को समतल करने के बाद एसटीपी एक सिंगल बड सारे आप ऊपर रख करके उसके बाद में गोबर की खाद जी। और कुछ एरिया में आपने धान की भूसी का भी प्रयोग? हाँ जी, उसके ऊपर जी फिर एक लेयर गोबर की खाद, फिर थोड़ा सा लेयर एक लेयर मिट्टी डाले थे, उसके ऊपर जो है धान की भूसी डाले थे। अच्छा, तो इससे धान नमी बनी रहे। धान की भूसी आपने इसलिए डाला कि नमी बनी रहे जी, बार बार सिंचाई न करनी पड़े, जमीन भी उससे फटती नहीं है और पौधे को उखाड़ने में आसानी रहती है जी। और साथ में कोकोपीट एक जो है महंगा मटेरियल है जी, तो उससे बचने के लिए भी आप बचने के लिए भी और उपलब्ध भी नहीं था हमारे अभी पास। कितना एरिया आप लगाने जा रहे हैं? सर लगभग इस समय 1 हेक्टेयर के आसपास है। 1 हेक्टेयर किस वैरायटी का? सर ये 13235 का है। और 14201 कितना लगा रहे हैं? 14201 का लगभग जो है सर मिलेगा 2.5 बीघा। 2.5 बीघे यानी आधा एकड़ लगा। आधा एकड़ लगे। और इसके अलावा 15023 सर वो लगभग लगेगा 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ वो लगेगा, तो टोटल मिला करके आप करीब 2-2.5 हेक्टेयर के आसपास लगा रहे हैं जी। अच्छा, इसमें आपने कुछ अभी सह फसली खेती भी की थी, क्या क्या सह फसली खेती किया था आपने? सर आलू का सह फसली खेती की थी। आलू का सह फसली खेती किया था। अच्छा, कितनी दूरी पर लगा रहे हैं ये पौध? सर पौध लाइन से लाइन की दूरी 4 फुट है और पौध से पौध की दूरी 1.5 फुट है। पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट है। मिट्टी कितनी डाल रहे हैं इस पौधे से आप बता सकते हैं? सर इस पौधे से मिट्टी केवल ये जो बड है ये पुरानी गांठ जो गन्ने वाला ये पोजीशन मिट्टी के अंदर हो जाए। इस समय इसमें कितने बड आ चुके हैं? इसमें इस समय सर 6 बड 5 बड आ चुके हैं। 5 बड आ चुके हैं जी। 5। और आप क्या समझते हैं कि ये सारे पौधे बन जाएंगे या इनको बनने के लिए आप क्या अपनाएंगे जिससे पौधे सब बन जाएं और कमजोर ना होने पाए? सर ये पौधे एक भी नहीं कमजोर होंगे ये। अच्छा, क्योंकि नाली में पहले पानी लगा दे रहे हैं, थोड़ा पानी लगाते हैं नाली बना करके फिनिशिंग करके, उसके बाद में इस पौधों को उसमें से नाप के 1.5 फीट पे लाइन खींची हुई है उसको थोड़ा सा ही लगाते हैं ताकि इसमें पर्याप्त मात्रा में मतलब नमी बरकरार रहे, ये भी ना हो कि धूप से ये मरे ना। गोबर की सड़ी खाद भी आपके पास है, कितनी डाले हैं एक एकड़ में? सर एक एकड़ में डाले हैं लगभग 5 टाली। बीज का शोधन किससे किए हैं? सर ये हेक्सा स्टाफ और जो है वो काल स्टार से। कितनी देर तक टुकड़े का शोधन किए? सर लगभग 4-5 घंटे जी। अच्छा, उसके बाद प्लांटिंग आपने किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रोग्रेसिव है साफ से एरिया।